501 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ जनपद में आज बड़ी धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं यासोनी थापा बालिका इंटर कॉलेज के मैदान से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 501 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हालांकि संघ तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में छात्राएं मौजूद रहे। आपको बता दें कि हर साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 501 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, वही आज भी निकाली गई है, जिसको लेकर आज वही तिरंगा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे शहर से होते हुए मिर्जाजीपुरा इलाके में जाकर समाप्त हुई है। वही छात्र छात्राओं में इस शोभा यात्रा को लेकर, इस तिरंगा यात्रा को लेकर बहुत उत्साह था। वही मिर्जाजीपुरा पहुंचने पर वहां छात्रों ने वंदे मातरम के नारे लगाए और वंदे मातरम के गाने पे डीजे की धुन पर झूमे, मस्ती से गाए और वही कार्य का समापन किया गया। विद्यार्थी परिषद विगत 5 वर्षों से लगातार 501 मीटर तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकालती है, जो कि ये पूर्वांचल की भी सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा कही जाती है। तो उसी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 501 मीटर तिरंगा झंडा निकाला जी। विगत 5 वर्षों से हर साल ये जो अभी हमारा भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इसका उद्देश्य यही है कि हम एक समाज में जो हम यहाँ इस शोभा यात्रा में, इस तिरंगा यात्रा में समाज के सभी लोग लगे रहते हैं, जिससे इसमें आपसी भाईचारा भी दिखाया जाता है। सभी वर्गों के लोग इस
तिरंगा यात्रा में लगे रहते हैं, सभी छात्र लगे रहते हैं। इसमें अनुशासन दिखाया जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकार से अनुशासन है, सभी वर्गों को लेकर चला जाता है। जो भारत की समरसता है उसको हम लोग इस तिरंगा में है, जहाँ सभी लोग अपने घर में अपने एक तरीके से तिरंगा फहराते हैं, विद्यालय में फहराते हैं, अपने अपने घरों में फहराते हैं। पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने छोटे से कमरे में बैठ के निश्चय लिया कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस तिरंगे को एक अलग दिशा दृष्टि दे करके, जो कि सोहिंद हापा मैदान से लेकर के मिर्जाजी पुरा चौक तक, जहाँ पे आप एक आपसी भाईचारे का भी रूप देखने को हम लोग को मिलता है। हम लोग सोहिंद हापा पे स्टार्ट करते हैं, वहाँ सिंधी कॉलोनी में आते हुए यहाँ पे आते हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग मिल करके इस तिरंगे यात्रा को फहराने का कार्य करते हैं। जैसे कि हर साल 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को हम लोग तिरंगा यात्रा 501 मीटर की, जो कि मऊ की ही नहीं अभी तो पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा का निकलती है, तो इस मऊ जिले में निकलती है और उसको निकालने का काम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। हर साल लगभग इसमें मेरे हिसाब से इस साल तो कम भीड़ थी, लगभग 3-3.5 लाख संख्या थी ठंडी के को देखते हुए, लेकिन हम जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो लगभग हम लोग 6-6.5-7 लाख संख्या, इस तरीके से हम लोग दिन पर दिन अपनी संख्या इस तिरंगा यात्रा में बढ़ती जाती है, समृद्ध होती चली जाती है। पर ठंडी की वजह से थोड़ा सा कुछ हम लोग से हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे एक वंदे मातरम का कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पे हम लोग विद्यार्थी परिषद के इस तिरंगा यात्रा का समापन करते हैं। इस तिरंगा यात्रा में सिर्फ मऊ के ही नहीं, आसपास जितने जिले के भी लोग हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा को एक मैसेज देते हैं हम, जिसके माध्यम से वो लोग इसको देखने के लिए मऊ जिले में आते हैं और देखते हैं कितने अनुशासित तरीके से हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। भीड़ ज्यादा होती है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ज्यादा संख्या हो जाने के बाद अनुशासनहीनता हो जाती है, पर पिछले हम लोग 7 सालों से इस तिरंगे यात्रियों को हर साल निकालते हैं, लेकिन आज तक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा अनुशासित रूप से इस तिरंगे यात्रा को सोहिंद हापा मैदान से लेकर के मिर्जाजी पुरा चौक तक ला करके पूरे अनुशासन तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। देखिए उत्साह का पर्व चल रहा है, हम लोग अपने 75वें अमृतकाल महोत्सव में हम लोग चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को हम सभी सामने उजागर किया, पिछले 3 सालों से हम लोग अमृतकाल महोत्सव में चल रहे हैं, तो उत्साह तो जाहिर सी बात है। गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस का माहौल भी रहेगा, तो भी एक हम लोग इतने 200 वर्षों की गुलामी के बाद हम लोग आजाद हुए, तो उत्साह वो झलक हम सभी को देखने को मिलती है। संदेश यही है कि ये भारत भूमि हमारी है, इसमें हम लोग को मिलजुल करके भारत को हमें एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, इसी बात विद्यार्थी परिषद कर चलती है। हम लोग 75 साल हम लोग के देश को आजाद हुए पूरा हो गया, फिर गणतंत्र दिवस के महोत्सव पे हमारा सोहिंद हापा से और मिर्जा हाजीपुरा तक चल के रैली निकला है तिरंगे के साथ। कितने मीटर का था? 501 मीटर का हम लोग का तिरंगा था, और सोहिंद हापा से चल के और मिर्जा हाजीपुरा तक हम लोग की रैली निकली, और आज हम लोग फिर गणतंत्र दिवस खुश होकर बहुत खुश होकर महोत्सव मना रहे हैं। उत्साहित दिख रहे थे आप लोग, जिन वंदे मातरम का नारा लगाते हैं भारत माता की जय, बोलते चले, कैसा लग रहा था आज इस महोत्सव पे? हम लोग को बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि हम लोग इतने बांधित थे, जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था तो हम लोग ऐसे फ्री होके फ्रीडम होके हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा था, हम लोग आजादी से जी नहीं पा रहे थे, और हमारे देश के जो नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी लोग, इन लोगों ने हम लोग के लिए बहुत सारे लड़ाई किए, और हम लोग को ये आज उत्सव मनाने को मिला, उन्हीं लोग क्या देन है कि आज हम लोग को ये गणतंत्र दिवस मनाने को मिला, और आज का दिन हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा। और हम लोग पूरा सोहिंद हापा से चल के और मिर्जा हाजीपुरा तक वंदे मातरम का नारा, सुभाष चंद्र बोस का नारा और एबीवीपी का भी नारा लगाते हुए बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग मिर्जा हाजीपुरा तक अपनी रैली को समाप्त किए हैं। कितना साल होता है? हाँ, ये 5 साल से हो रहा है।